ऋषभ पंत ने टीम सिलेक्शन से पहले सिलेक्टर्स को दिया इस स्टाइल में करारा जवाब। बांग्लादेश टेस्ट सीरीज में चुने जाने से पहले ही आग उगलने लगा ऋषभ पंत का बल्ला। दिलीप ट्रॉफी में पंत ने गुस्से में लिया पहली पारी का बदला, सिर्फ इतनी गेंदों में ठोकी 50। चैंपियंस ज्यादा देर तक रंग विहीन नहीं रहते। देश के अलग अलग शहरों में चल रहे टीम इंडिया के चैन ट्रायल, दिलीप ट्रॉफी मैच के तीसरे दिन पिछले कुछ समय से बड़ी पारी खेलने के लिए संघर्ष कर रहे ऋषभ पंत ने फिर से साबित कर दिया। बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले के पहले दिन ऋषभ पंत जब 7 रन बनाकर आउट हुए तो सोशल मीडिया ने पंत पर चुन चुन कर तंज कसे। उन्हें खासी आलोचना का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने विकेट कीपिंग में बेहतरीन कैच रखा, तब भी आलोचना का स्तर कम नहीं हुआ। लेकिन अब पंत ने शनिवार को दूसरी पारी में वो काम कर दिया जिसकी उम्मीद हमेशा पंत के चाहने वाले उनसे करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि शनिवार से पहले तक अजीत अगरकर एंड कंपनी पंत को लेकर थोड़ा चिंतित जरूर होगी, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ टीम चयन से पहले उनका मुकाबला 11 में एक जगह के लिए हालिया समय में उभरे ध्रुव जुरेल के साथ हो चला है। लेकिन भारत बी की दूसरी पारी में पंत ने स्टाइल में आलोचकों का जवाब देते हुए 34 गेंदों पर 85 ठोक डाला। 9 चौके और 1 छक्के के साथ अर्धशतक जड़कर पंत ने सिलेक्टरों का काम आसान कर दिया। कुल मिलाकर आउट होने से पहले पंत ने 47 गेंदों पर 9 चौके और 2 छक्कों की मदद से 61 रनों की पारी खेली। वही मैच की बात करें तो तीसरे दिन गेंदबाजों के प्रदर्शन के बूते भारत बी टीम पहली पारी में 90 रन की अहम बढ़त हासिल करने में सफल रही। मुशीर खान के दम पर पहली पारी में 321 रन बनाने वाली भारत बी के खिलाफ भारत ए की टीम तीसरे दिन पहली पारी में 231 रनों पर सिमट गई। सबसे ज्यादा 37 रन केएल राहुल ने बनाए। मुकेश कुमार और नवदीप सैनी ने 3-3 विकेट चटकाए। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने तूफानी पारी खेल डाली। दलित ट्रॉफी के पहले मैच में इंडिया के खिलाफ दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने 129 के स्ट्राइक रेट के साथ 47 गेंदों पर 61 रन ठोक डाले। अपनी इस पारी में उन्होंने 9 चौके और 2 छक्के लगाए। तनुष कोटियान ने पंत को अपना शिकार बनाया। इसके साथ ही उनकी टेस्ट में वापसी की राह आसान हो गई है। ऋषभ पंत ने करीब 2 साल से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है। ऋषभ पंत ने आखिरी टेस्ट दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ ही खेला था। इसके बाद पंत रोड एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आईपीएल 2024 से उन्होंने क्रिकेट में वापसी की। इसके बाद वो टी20 वर्ल्ड कप 2024 और श्रीलंका के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज में खेलते नजर आए। अब ऋषभ पंत को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मौका मिल सकता है। बांग्लादेश सीरीज के लिए जल्दी भारतीय टीम का ऐलान होगा। आपको बता दें कि ऋषभ पंत ने अगस्त 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक खेले गए 33 टेस्ट की 56 पारियों में 2271 रन बनाए हैं। इस दौरान विकेट कीपर बल्लेबाज का औसत 43 का रहा और टेस्ट में उन्होंने 11 अर्धशतक और 5 शतक भी लगाए हैं। इस फॉर्मेट में उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 159 रन है। तो आप भी ऋषभ पंत की शानदार पारी पर अपनी राय दीजिए, साथ ही इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।